अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ जिला पंचायत स्थित दीदी कैफे पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी के साथ जिला पंचायत स्थित दीदी कैफे पहुंचे। यहां आस्था स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विशेष स्वरुचि भोजन बनाया गया। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ भोजन किया। आपको बता दें कि उन्होंने यहां रेगुलर थाली लेकर सात्विक भोजन किया, तो वहीं इस स्वादिष्ट भोजन की जमकर तारीफ भी की। तो वहीं सभी दीदियों को धन्यवाद देकर गोदरेज व फ्रिज भी भेंट किए। आपको बता दें कि सीएम ने सभी अधिकारियों को यहां एक बार भोजन करने को भी कहा। यहां पर एसीएस मनोज श्रीवास्तव, संभागायुक्त कविंद्र कियावत, कलेक्टर अविनाश लवानिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि सीएम साहब के साथ यहां स्वादिष्ट एवं स्वच्छ खाना खाया, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत ग्रामीण विकास के माध्यम से इस तरह का कॉन्सेप्ट हर पंचायत व हर जनपद लेवल पर शुरू किया जाएगा। दीदी की रसोई, इसको दीदी के कैफे के लिए भी कहा गया है, ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित किए जाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और स्वच्छ खाना माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब लोगों ने खाया और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ उनकी धर्म पत्नी भी महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही पंचायत ग्रामीण विकास के माध्यम से इस तरीके का जो कंसेप्ट है, ये हर पंचायत में, हर जनपद लेवल पे हम इसको चालू करेंगे, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंत्री सिसोदिया ने संदेश देते हुए कहा कि महिलाएं पुरुषों से कहीं कम नहीं पड़ती है, अगर महिला ठान ले तो वह हर कार्य कर सकती है। महिलाओं का सशक्तिकरण चल रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सदैव ये प्रयासरत रहते हैं कि जिस तरह पुरुष आगे हैं प्रथम पंक्ति में, उसी तरह महिलाएं भी प्रथम पंक्ति में कार्य करें और स्व सहायता समूह के माध्यम से और अन्य चीज़ों से उनको आगे लाया जा सके। और इसमें दो मत नहीं है कि पुरुषों से कहीं कोई कम महिला नहीं पड़ती है, महिला अगर ठान ले तो हर कार्य को कर सकती है। और मैं आज इस महिला दिवस के दिन समस्त महिलाओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहरहाल देखा जाए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर काम जल्द ही शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।